दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूकंप से हर साल लगभग 8,000 लोगों की जाने जाती है और पिछले 4,000 सालों में भूकंपों की वजह से अब तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हर साल 3 की तीव्रता या उससे कम की तीव्रता वाले लगभग 13 लाख भूकंप आते हैं और हर साल 8 की तीव्रता से ज्यादा वाला एक भूकंप हर साल आता है। पृथ्वी के लगभग 80% भूकंप रिंग ऑफ फायर के नजदीक आते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित घोड़े की नाल के आकार का एक इलाका है, जहां पर टेक्टोनिक्स प्लेट्स मिलती है। यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भूकंपों की बात करें तो जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर कमजोर होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूकंप की वजह से पानी सोने में भी बदल जाता है? ये बहुत ही ज्यादा रोचक जानकारी है। अगर अब तक के सबसे विनाशकारी भूकंप की बात करें तो ये साल 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता लगभग 9.5 दर्ज की गई थी। दोस्तों, चांद पर भी भूकंप आता है। चांद पर आने वाले भूकंप को मून क्विक कहते हैं, लेकिन वो धरती के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं और इनमें से सिर्फ 1 लाख भूकंप ही महसूस किए जा सकते हैं और 1 लाख भूकंपों में से सिर्फ 100 ही भूकंप ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा विनाशकारी प्रलय लाते हैं। दोस्तों, साल 1900 से लेकर अब तक हर साल लगभग 18 बड़े भूकंप आए हैं और हर साल लगभग एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आया है। दोस्तों, इसके अलावा 11 मार्च 2011 में 9 की तीव्रता का आया भूकंप जापान के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप था। इसकी वजह से लगभग 30 फीट सुनामी आ गई थी और इसकी वजह से कई परमाणु केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा था। एक भूकंप किसी परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जो कि साल 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी ज्यादा है। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में स्थित 260 मीटर ऊंचे ट्रांस अमेरिका पिरामिड को भारी से भारी भूकंप के झटकों को सहन करने के लिए तैयार किया गया है। दुनिया के अगर पहले अर्थक्वेक डिटेक्टर की बात करें तो 2000 साल पहले जेहेंग हेंग नाम के एक चीनी व्यक्ति ने, जो कि एक खगोल शास्त्री था, उसने दुनिया का पहला अर्थक्वेक डिटेक्टर खोजा था, जो कि 600 किलोमीटर दूर वाले भूकंप को भी नाप सकता था। दोस्तों, एक भूकंप को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब उसकी तीव्रता 7 या उससे ज्यादा हो। अगर किसी भूकंप की तीव्रता 3 या उससे कम होती है तो उस भूकंप को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उसे नॉर्मल भूकंप माना जाता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो नॉर्थ पोल में साउथ पोल की तुलना में कम भूकंप आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा भूकंप आते हैं। दोस्तों, भूकंप से रिलेटेड बहुत से देशों में बहुत सी मान्यताएं भी है। प्राचीन ग्रीस में लोगों का मानना था कि भूकंप समुद्र के देवता पोसाइडन की वजह से आता है। उनका कहना था कि जब देवता नाराज हो जाते हैं तो वो जमीन पर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं, जिससे धरती कांपती है। हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करें तो उनके अनुसार पृथ्वी 8 बड़े हाथियों पर स्थित है, जो कि एक कछुए के पीठ पर बैठे हुए हैं और कछुआ सांप की एक कुंडली पर खड़ा है। माना जाता है कि अगर इनमें से कोई भी जानवर अपने स्थान से सरक जाता है तो उस टाइम पर भूकंप आता है। दोस्तों, अगर एक भूकंप के एवरेज टाइम की बात करें तो एक एवरेज भूकंप लगभग 1 मिनट तक आ सकता है। दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप के बारे में जानते हैं? दोस्तों, ये 1200 ईस्वी में पूर्वी भूमध्य सागर में आया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है और भारत के गुजरात राज्य के भुज इलाके में आया। 26 जनवरी 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है? ये 7.9 की तीव्रता का था, जिसके कारण करीब 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस भूकंप के झटके भारत, पाकिस्तान और नेपाल में भी महसूस किए गए थे। दोस्तों, अगर घर को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है तो उसके लिए पैगोडा आकार के घर बनाए जाते हैं। ये अर्थक्वेक से घर को गिरने से बचाते हैं। दोस्तों, साल 1811 में एक जबरदस्त भूचाल के कारण नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। ये भूचाल इतना खतरनाक था। तो दोस्तों, ये थे भूकंप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।